छात्र सीएम धामी ने विदेश मंत्रालय से साधा संपर्क, परिजनों को किया आश्वस्त। ईवीएम पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी, सीएम धामी ने दिया बयान, कहा कांग्रेस ने स्वीकारी हार। सीएम धामी पहुंचे नैनीताल, नैना देवी का लिया आशीर्वाद, कहा विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है बीजेपी। यूक्रेन में बिगड़े हालात, फंसे भारतीय नागरिक, परिजन लगा रहे सरकार से गुहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। रूस ने कीव, खार्किव समेत कई यूक्रेनी शहरों में मिसाइल से हमला शुरू कर दिया है, जिससे स्थिति भयावह होती जा रही है। अभी भी यूक्रेन के अलग अलग शहरों में कई भारतीय फंसे हुए हैं। वहीं उत्तराखंड में भी अभिभावक अपने बच्चों के लिए चिंतित हैं। इस बीच सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि छात्रों की सुरक्षा को लेकर लगातार विदेश मंत्रालय से संपर्क किया जा रहा है। सीएम ने अभिभावकों को धैर्य रखने और केंद्र से संपर्क कर हर संभव सहायता करने का आश्वासन भी दे दिया है। तो यूक्रेन में उत्तराखंड के कई छात्र फंसे हुए हैं, ऐसे में लगातार देखा जा रहा है कि यहां पर पुष्कर सिंह धामी ने एक ट्वीट किया है और परिजनों को आश्वस्त किया। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए उत्तराखंड ब्यूरो चीफ सुभाष गौर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुभाष, उत्तराखंड के कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं, अभिभावक लगातार मदद की गुहार लगा रहे हैं, सीएम धामी ने ट्वीट किया है और कहा है कि वो विदेश मंत्रालय से संपर्क में है, क्या कुछ जानकारी? यूक्रेन में फंसे हुए उत्तराखंड के कई मेडिकल के छात्र हैं और उनको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है कि वो विदेश मंत्रालय से बात करेगा, संपर्क साधने की कोशिश करेगा। इसके साथ ही राजधानी देहरादून के और अन्य जो जिला अधिकारी है उनकी भूमिका और वो भी उनके परिजन और उन लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं और जिन भी लोगों के जो साथी हैं या परिजन यूक्रेन में फंसे हैं उनसे अपील की है कि वो जिला प्रशासन को सूचना दे और जिला प्रशासन मंत्रालय ये कहा जा सकता है कि लगातार विदेश मंत्रालय से संपर्क कर उन लोगों को वापस भारत मंगाने की कोशिश करेगा और इसको लेकर राज्य सरकार भी कहीं ना कहीं सतर्क नजर आ रही है। जी सुभाष, कितने ऐसे छात्र हैं जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं? बिल्कुल, ये कहा जा सकता है कि अभी एक एग्जैक्ट आंकड़ा जो है वो अभी तक नहीं आ पाया। हालांकि उम्मीद की जा रही है कि लगभग अभी तक जो जानकारी है 4 से 5 ऐसे लोगों की जानकारी मिल पाई है उत्तराखंड में कि जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं, जिनके परिजनों ने उनकी जानकारी दी है, जिसमें से लगभग 2 ऐसे लोग हैं जो राजधानी देहरादून के। इसके साथ ही उधम सिंह नगर जनपद से भी कुछ ऐसे छात्र हैं जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं और ये माना जा सकता है कि यूक्रेन में ज्यादातर जो लोग हैं वो मेडिकल की पढ़ाई के लिए वहां गए थे और मेडिकल की पढ़ाई लगातार वो कर रहे थे। हालांकि कोशिश राज्य सरकार भी कर रही है और कोशिश विदेश मंत्रालय उनसे भी बात करने की कोशिश की जा रही है कि उन लोगों को जल्द से जल्द भारत वापस लाया जाए और उसके साथ सुरक्षा की भी बड़ी जिम्मेदारी विदेश मंत्रालय के पास है। ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो उत्तराखंड के भी कई ऐसे मेडिकल के छात्र हैं जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं, अभिभावक लगातार मदद की गुहार लगा रहे हैं। ऐसे में पुष्कर सिंह धामी ने एक ट्वीट किया और कहा है कि यूक्रेन में फंसे हर एक उत्तराखंडी को सही सलामत वापस लाने को लेकर हमारी सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इस संबंध में हम विदेश मंत्रालय से निरंतर संपर्क में हैं। हालात बद से बदतर होते हुए यूक्रेन में नजर आ रहे हैं। यहाँ पर रूस पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, नाटो को भी पूरी तरह से धमकी दे रहे हैं और इसके बाद लगातार स्थिति और ज़्यादा भयावह होती हुई नज़र आ रही है, जिसका असर भारत पर भी पड़ रहा है, क्योंकि भारत के कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं। कई वीडियो सामने आए हैं सोशल मीडिया के माध्यम से भी, ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं वो मदद की गुहार लगा रहे हैं। वही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नैनीताल पहुंचे, जहां उन्होंने मां नैना देवी मंदिर के दर्शन कर भोलेनाथ पर जल चढ़ाया। इससे पहले धामी घोड़ाखाल गोलजियों के मंदिर भी पहुंचे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी जीत और पार्टी की जीत को लेकर आशीर्वाद भी मांगा। उन्होंने मां नैना देवी मंदिर के साथ साथ पाषाण देवी मंदिर के में भी मत्था टेका।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि बीजेपी ने पहले भी 60 पार का नारा दिया था और चुनाव में प्रदेश की जनता ने बीजेपी के पक्ष में मतदान किया है। प्रदेश में बीजेपी 60 पार का आंकड़ा पूरा करने जा रही है। हरीश रावत के ईवीएम और पोस्टल बैलेट पर दिए गए बयान को उन्होंने हास्यास्पद बताया। सीएम ने कहा कि कांग्रेस को अच्छी तरह पता है कि वो बुरी तरह से हार रही है। हरीश रावत के अनर्गल बयान बता रहे हैं कि कांग्रेस ने हार स्वीकार कर ली है और हार की बौखलाहट में हरीश रावत ईवीएम में गड़बड़ी होने और पोस्टल बैलेट में कांग्रेस के खिलाफ मतदान संबंधी गलत आरोप लगा रहे हैं। एक तरफ जहां यूक्रेन और रूस के बीच महासंग्राम छिड़ा हुआ है, तो वहीं यूक्रेन में कई भारतीय नागरिक अभी भी फंसे हुए हैं। आपको बता दें कि भारत की तरफ से भेजे गए एयर इंडिया विमान से 242 लोगों को सकुशल भारत लाया गया है। वहीं अभी भी बहुत से नागरिक वहां पर फंसे हुए हैं, जिसमें रुद्रपुर के 4 युवकों के यूक्रेन से भारत वापस लौटने की गुहार परिजन भारत सरकार से लगातार लगा रहे हैं। रुड़की के मंगलौर के टाडा रोड मलानपुर मदीना कॉलोनी में मासिक मेले का आयोजन हुआ, जिसका उद्घाटन सभासद ने फीता काट कर किया। इस दौरान क्षेत्रवासियों में अलग ही उत्साह देखने को मिला। बता दें कि मंगलौर के टाडा रोड मलानपुरा मदीना कॉलोनी में मासिक मेले का आयोजन किया गया था। ये मेला 20 फरवरी से 20 मार्च तक रहेगा। वहीं मेले के प्रबंधक गुलशाद अली ने जानकारी देते हुए बताया कि कोविड की गाइडलाइंस का पूरा पालन करते हुए मेले का आयोजन किया गया है। बिना मास्क के मेले में प्रवेश की अनुमति नहीं है। मुर्गी एक महीने के लिए लगाया गया। कहाँ पर लगाया गया है? ये मंगलोर टांडा रोड मदीना कॉलोनी। क्या क्या विशेषता है आपके मेले में? ये बच्चों के छोटे बड़े झूले हैं, बड़ों के झूले हैं, और जिमनास्टिक सर्कस है, काला जादू है, भूत बंगला है, ड्रैगन ट्रेन है, ऐसे ही, और हलवा पराठा, कुछ मीना बाजार है। कौन सी तारीख से और कौन सी तारीख तक मेला रहेगा? ये 20 फरवरी से 20 मार्च तक रहेगा। कोरोना काल के बाद लोगों को मनोरंजन का साधन मिला जी। पहले वेदर रहा मॉल, और कोशिश हमारी रहेगी कि पब्लिक आए और सबको संपन्न तरीके से मेला घूमे और जाए। हमारी पब्लिक से अपील यही रहेगी कि कोई दंगा झगड़ा ना हो और शांतिपूर्व अपना मेला घूमे, मनोरंजन करें और अपने घर। क्या क्या विशेषता है मेले में? मेले में झूला हो गया, आपका मौत का कौवा हो गया, ब्रेक डांस हो गया। उत्तरकाशी स्थापना दिवस को लेकर प्रशासन ने रूपरेखा तैयार कर ली है, तो वहीं मुख्यालय से सटे डूढ़ा तहसील के अंतर्गत मां रेणुका देवी के मेले का भी आगाज हुआ है। बता दें कि उत्तरकाशी की 63वीं वर्षगांठ पर डूढ़ा देवी धार के सिद्धपीठ मां रेणुका मंदिर के परिसर में 7 दिवसीय सांस्कृतिक विकास मेला आज से शुरू हो गया है। देखिए, जनपद के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में कल डुंडा में माँ रेणुका देवी समिति के द्वारा एक मेले का आयोजन किया जा रहा है, और जैसा बताया गया कि वो पहले भी हर वर्ष इस मेले को आयोजन करते हैं, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ साथ कई लोग सम्मिलित होते हैं, कई विभागीय डेस्क भी लगती हैं। तो आचार संहिता को देखते हुए जो भी नियमानुसार कार्रवाई हो सकती है, जितने भी हम लोग उसमें अनुमन्य कार्य करा सकते हैं, उस हिसाब से इस मेले का आयोजन रेणुका देवी समिति के द्वारा किया जा रहा है। गणेशपुर में शिवरात्रि के उपलक्ष्य में लगने वाले भव्य मेले के आयोजन की तैयारियां जोरों पर हैं। 1 मार्च को शिवरात्रि है। शिवरात्रि के दिन हजारों की संख्या में कांवड़ियों की तरफ से शिवलिंग पर जलाभिषेक किया जाएगा। 6 दिनों तक चलने वाले इस मेले में दूर दूर से लोग आते हैं। आपको बता दें कि आज से 300 साल पहले बुक्सा जनजाति की तरफ से इस मंदिर की खोज की गई थी, तब से लेकर आज तक इस मंदिर में पूजा अर्चना की जाती है। जो रामबाग में हम लोग आदिवासी मेला करते हैं, इस बार बहुत अच्छा कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं कि पिछले साल के भांति इस बार कोरोना काल को देखते हुए हम लोग पूरी गाइडलाइन के पालन भी करेंगे, और पिछले बार जितनी कोरोना काल था, इस बार तो इस समय देखा जा रहा है कि कोरोना काल हमारे इसमें है ही नहीं, और जितने हमारे जो कांवरिया हरिद्वार से जल लेके हमारे रामबाग शिव मंदिर में आते हैं, हजारों की संख्या में आते हैं, और हम लोग इस समय पूरे पूर्ण रूप से तैयार हैं कि मेला किस तरह कराया जाए, और पूरी गाइडलाइन का भी पालन करेंगे और मेला अच्छी तरह करेंगे। व्यवस्था करी जा रही है अभी से, सबके लिए जितने भी कांवरिया हैं,
सबके लिए व्यवस्था हो रही है यहाँ। तो और क्या महाशिवरात्रि के पर्व को लेके? पर्व को लेके अभी सुंदरीकरण चल रहा है, रंग रोगन चल रहा है, रंग रोगन हो चुका है, थोड़ा बहुत रह चुका है अभी। तो कितने जल चलाया जाएगा? ये जल पहले 28 को भी बहुत सारे चढ़ा सकते हैं। टिहरी गढ़वाल के देवप्रयाग विधानसभा कीर्ति नगर ब्लॉक के चौरास क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसे में एक 62 साल के बुजुर्ग की मौत हो गई। बस चालक बस पीछे कर रहा था, तभी पीछे खड़ा बुजुर्ग बस की चपेट में आ गया। इसके साथ स्थानीय लोगों ने बुजुर्ग को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तब तक बुजुर्ग की मौत हो गई थी। फिलहाल पुलिस ने बुजुर्ग के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस अपने स्तर से मामले की जाँच कर रही है। वो स्कूल बस से जो है एक व्यक्ति बैग करते समय जो है उसकी चपेट में आ गया था, जिसको घायल अवस्था में बेस अस्पताल सिरकोट ले गए थे, जहां पर डॉक्टरों द्वारा जो है उसे मृत घोषित कर दिया, जिसके पंचायतनामे की कार्रवाई जो है मेरे द्वारा की गई और परिजनों को जो है सूचना दी गई। परिजन मौके पर आए और शव को जो है अपने क्रियाक्रम हेतु जो है ले गए। इस संबंध में अभी तक जो है उनके द्वारा किस तरह की कोई तहरीर या किस तरह का कोई अभियोग पंजीकृत नहीं करवाया गया। रुद्रपुर में वनाग्नि से वनों को होने वाले नुकसान को लेकर वन महकमा फायर सीजन की तैयारी में जुटा हुआ है। जंगलों की आग को रोकने के लिए इस बार जिले में कुल 29 क्रू स्टेशन बनाए गए हैं, जिससे आग की सूचना पर तुरंत गति से कार्रवाई की जाए। विभाग की तरफ से इस बार भी पुराने संसाधन और तरीकों से आग बुझाने की कोशिश की जाएगी। रुद्रप्रयाग से यह अनोखी खबर सामने आई है, जहां पर वनाग्नि से वनों को होने वाले नुकसान को लेकर वन महकमा फायर सीजन की तैयारियों में जुट गया है। जंगलों की आग को रोकने के लिए इस बार जिले में कुल 29 क्रू स्टेशन बनाए गए हैं, जिससे कि आग की सूचना पर तुरंत गति से कार्रवाई की जाए। विभाग की तरफ से इस बार भी पुराने संसाधन और तरीकों से आग बुझाने की कोशिश की जाएगी। रुद्रप्रयाग में वनाग्नि से वनों को होने वाले नुकसान को लेकर वन महकमा फायर सीजन की तैयारियों में पूरी तरह से जुटा हुआ है। जंगलों की आग को रोकने के लिए इस बार जिले में कुल 29 क्रू स्टेशन बनाए गए हैं, जिससे आग की सूचना पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। विभाग की तरफ से इस बार भी पुराने संसाधन और तरीकों से आग बुझाने की कोशिश की जाएगी। रुद्रप्रयाग की तस्वीरें आप देख रहे हैं। लगातार हर साल जंगलों में आग लगने की सूचना मिलती है, जिसकी वजह से जंगल लगातार जलते जा रहे हैं। ऐसे में बड़ा फैसला लिया गया है कि जो नुकसान होता है उसको लेकर फायर सीजन की तैयारी शुरू कर दी जाए। ये फायर सीजन की तैयारी के लिए हमारे द्वारा फिलहाल मौसम को देखते हुए कंट्रोल बर्निंग का कार्य किया जा रहा है काफी व्यापक स्तर पर, और साथ ही साथ जो हमारी फायर लाइन्स हैं या जो पैदल रास्ते हैं ग्रामीणों के, जिनमें देखा गया है कि पिरुल इकट्ठा होने के कारण जो है फायर सीजन में अग्नि की घटनाएं अधिक मात्रा में होती हैं, तो उनकी सफाई का कार्य जो है वर्तमान में किया जा रहा है। इसके साथ साथ फायर के प्रति जागरूकता और प्रचार प्रसार के लिए हम लोगों के द्वारा पिछले वर्ष फॉरेस्ट फायर रुद्रप्रयाग ऐप का निर्माण किया गया था, और इस साल उसी ऐप को और उसी सिस्टम को हमारे द्वारा थोड़ा अपग्रेड किया गया है, और व्यापक स्तर पर गांव में गोष्ठियां की जा रही हैं हमारे संबंधित फील्ड स्टाफ द्वारा, और ग्रामीणों को अधिक से अधिक संख्या में ऐप को जो है इंस्टॉल कराने का प्रयास किया जा रहा है। इस ऐप के माध्यम से अगर कहीं भी अग्नि लगती है या घटना होती है तो जियो टैग फोटो खींचकर कोई भी नागरिक जो है उसकी सूचना सीधे हमारे मास्टर कंट्रोल रूम को भेज सकता है। बादराबाद में छात्र के भविष्य के साथ खिलवाड़ का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। आपको बता दें कि हरिद्वार के ट्रीन में डिग्री कॉलेज में छात्र के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जिसकी शिकायत परिजनों की तरफ से हरिद्वार के जिलाधिकारी से की गई है, जिस पर संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी ने मुख्य शिक्षा अधिकारी को आदेशित कर मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच कराने के आदेश दिए हैं। जिस पर मुख्य शिक्षा अधिकारी शिव प्रताप प्रसाद सेमवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि जिस तरह के तथ्य और लापरवाही सामने आई है उससे साफ है कि बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया, जिसके लिए कॉलेज और यूनिवर्सिटी दोनों ही पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। के उस कोर्स में जिसमें बच्चे का एडमिशन हुआ था EWS कोटे में इसका एडमिशन दिखाया गया और 26वें छात्र के तौर पे इसको एनरोल किया गया।
उससे फीस ली गई, उसके सेमेस्टर एग्जामिनेशन भी कराए गए और यूनिवर्सिटी ने शायद उस 26वें बच्चे को अप्रूवल नहीं दिया क्योंकि कॉलेज के नाम से अलॉट सीटों की संख्या 25 थी। वो 3 सेमेस्टर तक ये सब करने के बाद आखिरी सेमेस्टर में उन्होंने एग्जामिनेशन लेने से मना कर दिया। जिलाधिकारी को शिकायत की है मैडम ने, जो अभी बच्चे की माँ आई है, डीएम सर ने मुझे कॉपी किया उसको कि भाई इस पर कार्रवाई करें। उसी दिन मैंने कॉलेज से वो नोटिस भेजा है कि आप इस पर अपनी आख्या प्रस्तुत करें क्योंकि वो कॉलेज मेरे सीधा अधीन नहीं है, केवल हम लोग वेतन आरोप करते हैं उनका। उच्च शिक्षा निदेशक और यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ये इस पर कार्रवाई करेंगे और अभी मैं देख रहा हूँ कि यूनिवर्सिटी ने भी बच्चे से फीस रिसीव की है। 2020 बैच में एडमिशन लिया चिमनी डेयरी कॉलेज में, EWS की सीट पर एडमिशन लिया था। EWS की सीट पर एडमिशन लेने के बाद फर्स्ट सेमेस्टर में पोर्टल खुल रहा था मेरा, हर बच्चे का पोर्टल रहा था, इसमें रिजल्ट एग्जामिनेशन फॉर्म और एग्जामिनेशन फीस भरता है। तो मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में मेरा पोर्टल खुल रहा था तो मैंने इसमें एग्जामिनेशन फीस भी भरी है, कुछ स्लिप भी मेरे पास है। सेकेंड सेमेस्टर में जब मैं एग्जामिनेशन फीस भरा था सेकेंड सेमेस्टर की, तो मेरा पोर्टल नहीं खुला। इस बात की जानकारी मैंने अपने डायरेक्टर व्यसनदास शर्मा जी को दी। थराली में चमोली जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने पिंडरी घाटी का दौरा करते हुए विकासखंड नारायण बगड़ कुलसारी और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थराली का औचक निरीक्षण किया है, जहां उनकी तरफ से अधिकारियों और कर्मचारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए। अपने पिंडर घाटी दौरे पर पहुंचे जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने थराली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचकर जायजा लिया। डॉक्टर्स और संबंधित स्टाफ को तत्परता से कार्य करने और जनहित कार्य को सर्वोपरि मानते हुए कार्य करने के निर्देश दिए हैं। चंपावत की टनकपुर कोतवाली पुलिस ने ऑपरेशन क्रैक डाउन के तहत मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम के लिए एसएसबी के साथ चलाए जा रहे संयुक्त कॉम्बिंग अभियान में 2 नेपाली मूल के ड्रग तस्करों को सीमान क्षेत्र से कुल 21.2 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं पुलिस ने गिरफ्तार तस्करों को जेल भेज दिया है। जो हमारा बैराज है, बैराज के पास में 2 नेपाली व्यक्ति जिनका नाम इंद्र ओखेड़ा और सुरेश ओढ़ है, ये दोनों ब्रह्मदेव के रहने वाले थे। इनसे जब चेकिंग की गई, पूछताछ की गई, तो इन दोनों के पास से अवैध स्मैक प्राप्त हुई जिसकी मात्रा लगभग 20 ग्राम थी। दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार कर अग्रिम कार्रवाई करने के लिए माननीय न्यायालय में पेश किया गया। रुड़की के झबरेड़ा में समाज सेवी आदिल फरीदी डिवाइन लाइट चैरिटेबल फाउंडेशन के जरिए जरूरतमंद लोगों की मदद करने को तैयार रहते हैं। इसी कड़ी में उन्होंने झबरेड़ा में हिंदू मुस्लिम एकता का पैगाम देते हुए एक गरीब असहाय युवती की शादी के लिए दहेज का इंतजाम किया। बता दें कि युवती के पास शादी के खर्च और दहेज देने के लिए रुपये नहीं थे, जिसको देखते हुए समाज सेवी आदिल फरीद ने उनकी मदद की, जिसको लेकर आसपास के लोगों ने उनके इस कार्य की सराहना की है। मैं इस माध्यम से, ये मेरी 34 शादी है जबरेडा के कश्यप समाज से, और मेरा जो है कश्यप समाज हो या कोई सर्व समाज कोई भी हो जो इसका मुस्तैक है, जिसका भी हमें पता चलता है, हम उसकी शादी कराने में पूरा सक्षम है। और जो है हिंदुस्तान एक गुलदस्ता की तरह है, कहीं गुलाब है कहीं गेंदा है, इसी तरीके से कहीं हिंदू है कहीं मुसलमान है, जब जाके गुलदस्ते की तरह गुलाब बना है। और आज मैं आपके माध्यम से ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारा डिमन लाइट चैरिटेबल फाउंडेशन ने 34 शादी करा रहा है, ये हिंदू में कश्यप समाज से है और मैं मुस्लिम समाज से हूँ, तो मैं नफरत को दूर करके और भाईचारे को गले लगा के और लोगों को भी मैं ये संदेश देना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि भाईचारा और करीबी इसी तरीके से भाईचारे को बढ़ाते रहे। ये उन लोगों के लिए सबक है जो हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, नफरत बांटते हैं। आदिल फरीदी ने एक गरीब की बेटी के लिए जो सहयोग किया है दान के रूप में, मैं इनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और अन्य लोगों को भी इससे सबक लेने की आवश्यकता है। और इसका सबसे बड़ा जो श्रेय है या हमारी बेटी है एक नीतू, इसने मुझे फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे गरीब की बेटी है और उनकी कोई मदद अगर कर दे कोई तो आप इसमें सहयोग कराओ। फिर मैंने इन्हें बताया कि आदिल फरीदी हैं हमारे एक समाज सेवी हैं बेचारे, इन्होंने पहले भी कई शादियां कराई हैं और मैंने अखबार के माध्यम से भी उन्हें प्रकाशित किया है। कर्नाटक में हिजाब को लेकर हुआ विवाद धीरे धीरे देश भर में चर्चा का विषय बनने लगा है। कई लोग इसे राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं, जबकि हिजाब विवाद का मुद्दा जो है वो कर्नाटक कोर्ट में चल रहा है।
उत्तराखंड में भी बीजेपी विधायक ने विवादित बयानबाजी कर हिजाब मामले को तूल दे दिया। बीजेपी विधायक की बयानबाजी के बाद मुस्लिम उलेमाओं ने इसे केवल राजनीतिक साजिश बताया। मुस्लिम उलेमाओं ने इसे गंदी राजनीति बताया। उनका कहना है कि देश में सभी धर्मों को आज़ादी है। इस्लाम में घर से बाहर निकलते वक्त मुस्लिम बच्चियों और महिलाओं के लिए पर्दा करना लाजमी है। अन्य धर्म के लोग भी अपने मजहब के मुताबिक हिजाब पहनते हैं। इसके बारे में तो ये है कि देखिए, इस्लाम के अंदर क्या गैर मुस्लिम धर्म के अंदर भी पर्दा करना सही है, और चूँकि कुरान में भी है और ख़ास तौर से हमारे इस्लाम धर्म के अंदर हिजाब करना ज़रूरी है, पर्दा। और इसी तरह जो है हमारा संविधान हिंदुस्तान का, ये भी हमें इजाज़त देता है कि अपने हर एक मज़हब वाले को अपने मज़हब के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का हक़ है, और यह हमारा शरी सकाफ़ती सब तमाम हकूक़, हमारा ये एक फ़र्ज़ है कि हम इसको पर्दा करें। ये जो कर्नाटक में चल रहा है, ये तो एक राजनीतिक मुद्दा है, ये कुछ नहीं है, सिर्फ एक राजनीतिक और सियासी मुद्दा है, इससे बचना चाहिए। पहली बात तो यह है कि जैसे कि मौलाना ने कहा कि कुरान में भी हिजाब के बारे में मुतअद्दद जगह इसका ज़िक्र आया है, और ये हिजाब जो है सिर्फ औरतों के लिए नहीं है, बल्कि मर्दों को भी पर्दे का हुक्म दिया गया है कि वो भी अपनी नज़रें क्या रखें, नीचे रखें। दूसरी चीज़ ये है कि जो हिजाब है, पर्दा है, ये हया से ताल्लुक़ रखने वाली चीज़ है, कि जिस आदमी के अंदर जितनी हया है वो उतना ही ज़्यादा क्या करता है, पर्दा करता है। और ये इस्लाम का हुक्म है, और कानून ने भी इसकी क्या दी है, मुसलमानों को और सभी धर्म वालों को इजाज़त दी है कि वो जैसे रहना चाहे, अपने मज़हब के मुताबिक रहें। दूसरी चीज़ ये है, तीसरी चीज़ कि कोई मज़हब भी ऐसा नहीं कि जिसके अंदर पर्दा ना हो। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।